हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम लोग कुछ केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम कराने जा रही है उसमें काफ़ी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं। तो अभी उसका एग्ज़ाम इसी मंथ में 31 जुलाई को है, लास्ट में है एकदम। और अभी जो कल आपका सीपी नेट होने वाला है 28 तारीख को, ये कल वीडियो 28 तारीख को अपलोड होगी मॉर्निंग में। तो ये क्या है इसको, तो अब ये 28 तारीख को सीपी नेट आपका होने वाला है। तो आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। आई होप आप सभी वीडियो रिवाइज किए होंगे जो 2021 में मैंने प्रिपरेशन कराई थी 2021 वाले स्टूडेंट की। तो आप वो सभी वीडियो रिवाइज किए होंगे तो आपको 100% सभी क्वेश्चन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के आराम से हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप कि आप लोग रिवाइज किए होंगे। और चलिए हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन करते हैं और कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। और आपको पता भी होगा कि क्वेश्चन सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे भी गए हों क्योंकि वहीं से क्वेश्चन सेलेक्ट भी किए गए हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कि इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा। रेशियो ऑफ द रेडियाई, आपका रेडियस का रेशियो दिया है सेकंड एंड फर्स्ट बोहर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन आइटम। हाइड्रोजन बोहर्स ऑर्बिट हाइड्रोजन आइटम के लिए सेकंड और फर्स्ट आपका रेडियस दिया गया। तो आर वन क्या दिया गया, सेकंड दिया गया है। आर टू कितना दिया गया, फर्स्ट दिया गया है। तो आपको एक फार्मूला बोहर्स रूल फॉलो करता है, रेडियस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट के स्क्वायर। अगर तो ये आप जान रहे होंगे। अब आपको आर निकालना है तो आर वन अपान आर टू कर दीजिए, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। आर वन कितना है, आर वन देखिए अगर ये स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर लगाइए एन। तो बोहर्स आपको निकालना है, रेशियो दिया गया है तो आप एन को आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, रेडियस आप आसानी से आर वन की वैल्यू टू के स्क्वायर रखिए और आप आर टू तो वन दिया ही है तो दो दूना चार आपका आंसर जो आपका रेडियस रेशियो आएगा वो चार आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया कंडक्टेड एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट। इंडिया में कंडक्ट किया गया था अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था तो कहाँ पे किया गया था। जगह का नाम पूछ रहा, नरोरा दे रहा, तारापुर दे रहा या पुष्कर दे रहा या पोखरण दे रहा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच इज यूज्ड एज मेडिसिन। अब इसमें से चार ऑप्शन दिया गया है, मेडिसिन में कौन यूज किया जाता है, पीबीसी या ग्लिप्टाल या टेरिलिन या यूरोट्रोपिन। ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से डिस्कस भी किया था और यूरोट्रोपिन बना के दिखाया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ए ओ एच और एसिडिक की प्रेजेंस में बेस दिया गया है, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट्स विद। तो अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका कहना क्या चाहता है, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है किस में यूज किया जाता है, किसको हाइड्रोलिसिस के, ईथर के हाइड्रोलिसिस में यूज किया जाता है। तो अब आप बताइए ये क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर आप कौन सा करेक्ट करेंगे। तो आप फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ये देखिए आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, ईथर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन ब्यूटाइन वन एंड ब्यूटाइन टू कैन बी इज डिस्टिंग्विश्ड बाय। ब्यूटाइन वन में एकदम टर्मिनल हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट रहता है तो आपको AgNO3 NaOH। तो 33 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्यूटाइन वन जो है उसमें टर्मिनल हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट है और रिएक्ट कर लेता है अमोनिकल सिल्वर से। तो ऑप्शन नंबर बी इस वजह से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है, सब आप अच्छे से जरूर देख के जाइएगा किसका 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 कितना होता है। मैंने काफ़ी वीडियो में यार केमिस्ट्री की मैंने बताया था ना कि सभी वीडियो जरूर देख के जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, द इनकरेक्ट कॉन्फिग्रेशन इज, अब इसमें गलत कॉन्फिग्रेशन पूछ रहा है तो पोटेशियम दे रहा है, क्रोमियम दे रहा है, फिर यहाँ पे क्रोमियम दे दिया, कॉपर दे दिया। तो ये तो सही है पोटेशियम का, क्रोमियम का कितना होता है 3D5 4SN होता है, यहाँ पे 3D4 दे दिया तो यहीं पे तो ये गलत हो गया, यहाँ पे 3D5 यहाँ पे 3D5 होना चाहिए। और तो ऑप्शन नंबर आपका 34 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी जो कि गलत कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है।
गलत क्वेश्चन में भी पूछ रहा है, व्हिच आर द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछ भी सकता है। एक वीडियो आएगी, कल ही वीडियो, आज ही वीडियो अपलोड होगी 28 तारीख को ही, तो उसमें क्या है आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन से देते हैं। भाई मैंने ये सब क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ यार पिछले साल, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन एक एक अक्षर एक्सप्लेन करके मैं बताया था। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट जो होते हैं ना, एस्टल्डिहाइड और एसीटोन ही देते हैं सिर्फ। तो इसमें एस्टल्डिहाइड एसीटोन देख लीजिए, ये तो अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल नहीं देगा, ये तो साइनाइड ये भी नहीं देगा, ये देख लीजिए एसीटोन ये है एसीटोन। तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सी दिया गया है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एसीटोन और एल्डिहाइड ही आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। एसिड में एक ही एसिड है, एसिड में मात्र एक एसिड होता है पाइरूविक एसिड, यही आपका आयोडोफॉर्म देता है और सभी क्या होते हैं आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते। तो पाइरूविक एसिड है जो आपका देता है, पाइरूविक एसिड का फार्मूला यही होता है, आप देख लीजिए CH3C OOH ये होता है पाइरूविक एसिड का फार्मूला, यही आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है और केवल एल्डिहाइड और एसीटोन ही देते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन, ये देखिए डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल वाज गिवन बाय, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो पार्टिकल का जो कोई भी पार्टिकल हो उसका नेचर जो डुअल होता है, तो ये साइंटिस्ट डी ब्रॉगली इक्वेशन ही था। तो ऑप्शन नंबर 36 का कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल किस साइंटिस्ट ने दिया था, डी ब्रॉगली ने। तो देखिएगा ये देखिए ये क्वेश्चन 37 स्किप करिए, गलत दिया गया है। मोस्ट एसिडिक एज, अब इसमें देख लीजिए मोस्ट एसिडिक कौन दिया गया है, तो प्लस आई इफेक्ट जो शो करेगा वो तो एसिडिक को घटाता ही है। तो इसमें CH3 दिया गया है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इसमें देख लीजिए CH2 इसमें भी हो जाएगा, यहाँ फार्मिक एसिड आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे CH3 लगा है तो सी ऑप्शन आपका चारों ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, सब्सटेंस हैविंग एस्टर लिंकेज, अब ये आपको पूरा पता होना चाहिए स्ट्रक्चर, तभी आप बता पाएंगे कि इसमें एस्टर लिंकेज किस में पाई जाएगी। तो 39 में जब आप टेरिलीन का बनाएंगे स्ट्रक्चर तो उसी में एस्टर लिंकेज आपको मिलेगी देखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आप टेरिलीन देख लीजिए, रट लीजिए, अभी समय नहीं है बनाने के लिए। ये देख लीजिए कार्बोरेंडम एज, कार्बोरेंडम का फार्मूला आपको डायरेक्ट बताना है कि कार्बोरेंडम का इसमें से कौन फार्मूला है। तो जब सिलिकॉन रिएक्ट करता है कार्बन से ना, जब सिलिकॉन जो होता है रिएक्ट करता है कार्बन से, तब जाके आपको बनता है कार्बोरेंडम। तो ये देखिए आपका डी ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन करते हैं क्योंकि अब बायोलॉजी यहीं से शुरू होती है। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन कर लिए थे, 29 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें कौन से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सब डिस्कस करते रहेंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 28 तारीख का आज आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला CPNET, और मैं अपना शेड्यूल भी दिखाया था जो मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा था, सेशनल एग्ज़ाम जो होते हैं कॉलेज वाले, तो उसमें क्या था मेरा 25 से एग्ज़ाम शुरू हुआ था, 25 से लेके और 28 तारीख का एग्ज़ाम ख़त्म भी हुआ था, मैंने दिखाया भी था। तो इस बार तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम झेलना पड़ा क्योंकि एग्ज़ाम जब रहता है उसके 10 दिन के पहले से काफ़ी बिजी हो जाना पड़ता है, तो वही चीज़ है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं काफ़ी वीडियो कराया भी था नेक्स्ट इसके पहले बार जब 2021 में स्टूडेंट प्रिपरेशन किए थे, तो आप लोग पूरी वीडियो रिवाइज करके ज़रूर जाएंगे। और अगर आप CPNET फॉर्म अप्लाई किए हैं ठीक है, अगर आप अभी आपके पास 3-4 दिन चांस हैं, अगर आप BSc नर्सिंग के लिए ABMU अप्लाई किए हैं, तो आप क्या करिए मेरे चैनल पे जितनी केमिस्ट्री और फिजिक्स की वीडियो है ना, सब पूरा ढूंढ ढूंढ के प्लेलिस्ट में दी गई है, मैं ऐड किया हूँ प्लेलिस्ट में, सभी वीडियो आप लोग रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं है, रिवाइज किए होंगे, नहीं किए होंगे तो कोई बात नहीं है, करेंगे अच्छा जो भी है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट, अब इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है कि इसमें से किसका इंटरमीडिएट होस्ट होता ही नहीं है। तो टीनिया का देखेंगे आपका इंटरमीडिएट होस्ट मिलेगा, फैसियोला का भी मिलेगा, प्लाज्मोडियम में भी मिलेगा, लेकिन एस्कैरिस में कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है। एस्कैरिस का एक दूसरा नाम भी है, राउंड वार्म भी बोलते हैं,
तो ये दूसरा नाम जो होता है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, पूछ लेता है कभी कभी कोई वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये सब देख के ज़रूर जाइएगा क्योंकि पूछ सकता है ना, और पूछा भी है। तो ये देखिए, नो इंटरमीडिएट एस्केरिस का कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, और एस्केरिस का एक लार्वा होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि एस्केरिस के लार्वा का क्या नाम होता है, तो एस्केरिस के लार्वा का नाम जो होता है, ये नाम होता है रैबडी फार्म लार्वा होता है। तो रैबडी फार्म लार्वा होता है, और यही तो एस्केरिस होती है जब पेट में क्या होते हैं, वार्म हो जाते हैं, तो एल्बेंडाजोल टेबलेट लेते हैं सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल व्हाट इज द एक्चुअल सीक्वेंस फ्रॉम आउटर टू इनर। अब ये देखिए भाई, एलिमेंट्री कैनाल में क्या होती हैं, लेयर होती हैं। तो आपको ये लेयर क्वेश्चन में कह रहा है कि आउटर से, बाहरी से अंदर की तरफ आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है। तो देखिए 30 का ऑप्शन आप लगाइए कौन सा सही होगा। तो इसमें देखिए, पहले सिरोसा आएगा, फिर मसल लॉन्ग मसल आएगा, फिर सब म्यूकोसा आएगा, फिर म्यूकोसा आएगा। सिरोसा यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल दे दिया, यहाँ पे सिरोसा है ही नहीं, यहाँ पे सिरोसा तो है लॉन्ग मसल्स है, फिर सर्कुलर मसल्स कह रहा है, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा। तो यह इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सिरोसा, लॉन्ग मसल्स, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिकल डिसऑर्डर। अब ये जेनेटिकल डिसऑर्डर में क्या किया जाता है, जो पॉलीमरेज चैन रिएक्शन होता है, यही एक टेक्निक तो होती है जो डीएनए के फ्रेगमेंट को रैपिडली क्लोन करती है और डुप्लीकेट भी करती है, तो और डीएनए के मल्टीपल कॉपी भी बनाती है, तो डायग्नोस किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप कौन सा लगाएंगे, पीसीआर लगाएंगे। 31 का डी ऑप्शन, 31 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 31 का एनएमआर दे रहा है यहाँ पे, तो आप पीसीआर ही लगाइए क्योंकि यही चेक किया जाता है जेनेटिकल डिसऑर्डर फाइंड करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाइल हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ फैट थ्रू। जो बाइल क्या होता है, बाइल का फंक्शन क्या होता है, ये हेल्प करता है फैट के क्या करने के लिए, फैट को इमल्सिफिकेशन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर स्किप करिए, 34 में आइए। इशारा ये देख लीजिए, इस चेरिया चार्ट एक होता है कि इसको ऐसे इस एरिया चार्ट पढ़ सकते हैं। इस एरिया चार्ट जो होता है, ये यूज किया जाता है आई की साइड को, आई जब चेक किया जाता है तो इस एरिया चार्ट यूज किया जाता है। पेरीमेट्री टेस्ट किए जाते हैं और स्नेलन टेस्ट किया जाता है, जो वो पढ़ाते हैं ना, इस एक छोटे लेटर में पढ़ाते हैं, ऐसे लिखा रहता है, फिर छोटा बड़ा 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 ऐसे बढ़ता हो जाए, वो स्नेलन चार्ट होता है आई को टेस्ट करने के लिए। तो ऐसे इस एरिया चार्ट भी यूज किया जाता है आई के लिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इन डायस्टोल हार्ट इज फिल्ड बाय। जो हार्ट होता है ना, वो कंट्रक्शन और रिलैक्शन दोनों करता है, तो उसमें क्या चीज़, डायस्टोल, एक डायस्टोल सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है, लब डब जब सुनाई देती है तो डायस्टोल और सिस्टोल और डायस्टोल होता है। तो डायस्टोल कब होती है, तो 35 का ऑप्शन नंबर लगाइए, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब जाके हार्ट में फिल होता है तब आपको डायस्टोल हार्ट सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, आपका ये एक सेंचुरी दिया गया है, पेरियार सेंचुरी दिया गया है, ये कहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन तो पूछा गया है, तो आप बताइए केरला में ये चीज़ें हैं जहाँ पे एलिफेंट, टाइगर, बियर्स, स्लॉथ बियर सब चीज़ पाए जाएंगे आपके। तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, आपका 36 का ऑप्शन नंबर आप लगाइए। 36 का ऑप्शन नंबर कौन सा, असम हो गया यहाँ पे, असम नहीं लगेगा, केरला ही लगेगा। तो बी ऑप्शन 36 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट। अब इसमें से कौन सा इंसेक्ट नहीं है, ये चीज़ बताना है। तो 37 का बताइए, स्पाइडर जो होता है वो इंसेक्ट नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लगाएंगे। और लोकस्टा, टर्माइट्स और लेपिस्मा जो हैं, ये सभी इंसेक्ट होते हैं, और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा नॉट इंसेक्ट, कौन इंसेक्ट नहीं है। तो ये स्पाइडर जो होता है ना, ये इसका आर्डर क्या होता है, एरेक्डिना आर्डर होता है, एरेक्डिना, और तो वही चीज़ है, एरेक्डिना आर्डर होता है, ये भी जान लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डेंटल फार्मूला ऑफ माइन। 21-23/21-23 ये देखिए एकदम आपका दिया गया, तो 38 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 21-23/21-23।
मैंने सब बताया कि बच्चों का कितना होता है, एलिफेंट का कितना होता है, रैट का कितना होता है, सब चीज़ें वीडियो में अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। दी चिल्ड्रेन ऑफ ए हीमोफिलिक मैन एंड ए नॉर्मल वोमेंस आर द चिल्ड्रेन ऑफ हीमोफिलिक मैन की जो हीमोफिलिक चिल्ड्रेन है एंड नॉर्मल वोमेंस, तो कोई किसी भी मैन का नॉर्मल वोमेन है और चिल्ड्रेन उसके हीमोफिलिक हैं तो आपको बताना है कि क्या होगा। तो 39 का आप चिल्ड्रेन जो होते हैं वो हीमोफिलिक हैं तो मैन जो नॉर्मल और वोमेन भी उसकी नॉर्मल हैं तो उसके जो सन्स हैं वो क्या होंगे बताइए आप। 39 का ऑप्शन आप लगाइए नाइदर जो उसके चिल्ड्रेन क्या होंगे चिल्ड्रेन उसके ना तो नाइदर सन्स आर ना डॉटर आर हीमोफिलिक नहीं होंगे चिल्ड्रेन को बताना है। तो यही चीज़ आपका उसका जो मैन है उनके जो वाइफ और मैन जो हैं वो दोनों नॉर्मल हैं तो चिल्ड्रेन हीमोफिलिक होगा कि नहीं होगा तो नहीं होंगे क्योंकि वो हीमोफिलिक हैं ही नहीं ना, पेरेंट्स नहीं हैं तो बच्चों में कैसे होगा। व्हिच सेल्स आर फाउंड ओनली इन स्पंज, स्पंज में इसमें चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में बोल रहा है कि स्पंज में कौन सी सेल है कि जो ओनली स्पंज में पाई जाती है। तो क्वानोसाइट्स एक सेल होती है, क्वानोसाइट्स बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्वानोसाइट ओनली स्पंज में पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए बॉटनी का कुछ क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं क्योंकि समय तो है नहीं कि नेक्स्ट वीडियो में करें। ये देखिए डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, डबल फर्टिलाइजेशन किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था ये आपको बताना है। तो डबल फर्टिलाइजेशन आप बताइए अच्छे से, मैंने एक्सप्लेन भी किया था ये तो चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये एक साइंटिस्ट थे नवाज़चंद साहब ने किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए इन फोटोसिंथेसिस एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रम वार रिलेटेड बाय, जो फोटोसिंथेसिस एक्शन है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का रिलेट किससे करता है तो ये रिलेट किससे करेगा आप बताइए। तो सेकंड का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा एंगेलमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन द मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन, इसमें से कौन सा है जो हेल्प नहीं करता मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, सरफेस टेंशन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो ये बताना है आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो सरफेस टेंशन जो होता है ये डज नॉट हेल्प, हेल्प नहीं करता मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टोमेटल ओपनिंग इन द प्लांट अकर्स ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ, तो ये भी क्वेश्चन सही है। स्टोमेटल ओपनिंग में आपको बताना है कौन सा एलिमेंट है जो इसमें प्रयोग किया जाता है। तो यूजुअली जो होते हैं पोटेशियम क्लोरीन और हाइड्रोजन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में इनिशिएट करते हैं। तो अब बताइए फोर्थ का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन देखिए और लगाइए पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये देखिए एनर्जी ट्रांसफ़र इन फोटोसिंथेसिस अकर्स एज, जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है फोटोसिंथेसिस में वो कहाँ से, फाइको एर्थ्रिन से, फाइकोसाइनिन, फिर कैरोटीनॉइड, फिर क्लोरोफिल ए, तो ये आप क्वेश्चन बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्लोरोफिल जो होता है प्रिंसिपल पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोफिल ए जो होता है मेजर पिगमेंट होता है जो ट्रैप करता है लाइट एनर्जी को, कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल में, केमिकल एनर्जी में। तो क्लोरोफिल बी क्या करता है, वो हेल्प करता है, सेकेंडरी होता है। तो अब फाइकोएरिथ्रिन क्या चीज़, आप ये ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, फाइकोएरिथ्रिन से फाइकोसाइनिन में कलेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, फिर कैरोटीनॉइड, फिर क्लोरोफिल ए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिटमस इज ऑब्टेंड फ्रॉम, लिटमस पेपर जो होता है वो कहाँ किस प्लांट से बनता है, तो ये देख लीजिए रोसेला मोंटेग्नी या फिर लेसोलिया पस्टुलेटा या फिर क्लेडोनिया क्रेस्पाटा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लिटमस पेपर जो होता है ये कहाँ से आपका मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी ए बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें ए भी सही है रोसेला से और लेसेलिया से, तो सी ऑप्शन इसलिए करेक्ट है, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन स्किप करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। कमर्शियल कार्क इज ऑब्टेंड फ्रॉम, कमर्शियल कार्क जो होता है फेलम होता है ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो ये क्वेश्चन आप बताइए, डी ऑप्शन आप करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टी एंड कॉफ़ी आर अफेक्टेड बाय, टी होता है और कॉफ़ी जो होते हैं अफेक्टेड किससे होते हैं, फाइटोप्थोरा या सेफ्लोरोज या हर्बेलिया या फिर एल्बिगो कनेडियाडा से, तो कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे? तो ऑप्शन नंबर आप देखिए, जो ग्रीन एल्गी होती है सेफ्लोरोज होता है, इसी से इफेक्ट होता है। रस्ट टी जो पेड़ होता है ना उसमें रस्ट लग जाते हैं, रस्ट ऑफ टी तभी तो बोलते हैं। तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? बी ऑप्शन सेफ्लोरोज करेक्ट हो जाएगा। सेफ्लोरोज क्या होते हैं? ग्रीन एल्गी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इफ़ डिकम्पोजर्स आर रिमूव्ड व्हाट विल बी द हैपन टू द इकोसिस्टम, अगर इकोसिस्टम से डिकम्पोजर्स हटा दें। डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? बताया था बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं जो सड़े गले चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं। अगर भाई आप डिकम्पोजर्स की हटा दोगे तो क्या होगा? एनर्जी साइकिल स्टॉप हो जाएगी, मिनरल साइकिल स्टॉप हो जाएगी, या कंज्यूमर्स कैन नॉट बी एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी, या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ मिनरल इज इंक्रीज हो जाएगा। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन है। और बताइए, डिकम्पोजर्स हेटरोट्रॉपिक होते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया और फंजाई ही होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं। अगर इनको क्या कर दिए, ये डिफरेंट एंजाइम सिक्रेट करते हैं ना जिससे सड़ गले चीज़ें डिकेइंग हो जाते हैं, सड़ गल जाते हैं। तो अब बताइए अगर इसको डाइजेशन को डेड रिमेन्स क्या कर दिया जाए तो ये क्या होगा? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो बढ़ते रहेंगे। तो क्या चीज़ होगा? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज मिनरल इज इंक्रीज। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा भाई? इसमें ये समझिए कि ऑप्शन नंबर आपका 10 में एनर्जी साइकिल स्टॉप नहीं होगी, ये तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन बताइए, बी ऑप्शन में आपका करेक्ट लग रहा है कि मिनरल साइकिल जो होती है वो स्टॉप हो जाएगी। तो 10 का आप बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे, 10 का बी ऑप्शन आप करेक्ट कर सकते हैं। हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इन फोटोसिंथेसिस व्हाट अकर्स इन फोटोसिस्टम सेकेंड। अब फोटोसिंथेसिस में व्हाट अकर्स, फोटोसिस्टम क्या करता है? इट टेक्स लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर। तो 11 का क्या सही हो जाएगा? ये देखिए बी ऑप्शन, इट टेक्स शॉर्टर वेवलेंथ होती है फोटोसिस्टम सेकंड की ऑफ लाइट की एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, वाटर से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुई चीज़ इज सेंसिटिव टू एसओ टू पॉल्यूशन। एसओ टू कहीं पर देना सल्फर डाइऑक्साइड, तो लाइकेन आप तुरंत लगाइएगा क्योंकि ये क्या होता है, इंडिकेटर होता है, सेंसिटिव होता है एसओ टू लाइकेन से। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुई चार सेंसिटिव टू, ये हो गया आपका साइकस या मियोसिस डिवीजन। इस मियोसिस डिवीजन को क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। तो मियोसिस क्या होती है? तो मियोसिस जो होती है ये फर्स्ट रिडक्शनल एंड सेकेंड इक्वेशनल डिवीजन होती है। तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट लगाएंगे, मियोसिस को रिडक्शन और इक्वेशनल डिवीजन ही बोलते ही हैं। तो फर्स्ट रिडक्शन, सेकेंड इक्वेशनल। ऑक्सिन इन प्लांट मीन्स, ऑक्सिन एक प्लांट्स हार्मोन होता है, इसका मतलब क्या होता है? सेल इलांगेशन में हेल्प करता है, फ्रूट राइपनिंग में या सेल डिवीजन में या इनहिबिट द रूट ग्रोथ में। तो ये क्वेश्चन बताइए, इसमें ऑप्शन नंबर आपका ये देख जाएगा, सेल इलांगेशन में ऑक्सिन हेल्प करती है। इथाइलिन होता तो फ्रूट राइपनिंग में। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, दी थैलेक्वाइड क्लो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर दिए इस वीडियो में। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और जिस भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं तो कल से तो मैं अच्छी अच्छी वीडियो, और मुझे समय मिल जाएगा, आज मेरा भी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा कल, मतलब मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, ये 27 को बना रहा हूँ, तो कल मेरा भी एग्ज़ाम है, कल मेरा भी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और आपका ख़त्म हो जाएगा। और जो बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई किए हैं तो 2-4 वीडियो और अच्छी वीडियो मैं बना दूँगा, समय मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।